दीपावली पर्व जब आ गया है तब हमें परमात्मा महावीर को याद करना चाहिए, क्योंकि ये दीपावली पर्व परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याणक है। ऐसे परमात्मा महावीर जिनका निर्वाण कल्याणक, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई, आज संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला कोई है तो वह परमात्मा महावीर है। आज हम लोग ये जानते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, आज हम लोग ये जानते हैं कि मदर टेरेसा ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, आज हम लोग ये जानते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में, संसार में अहिंसा का मार्ग सबसे पहले दिखाने वाले यदि कोई थे तो वो परमात्मा महावीर। और ऐसे परमात्मा महावीर का जब निर्वाण कल्याणक है, उन्होंने सभी कष्टों से, सभी पापों से और सभी चीजों का त्याग करके अपने आत्मा को सिद्ध शिला के ऊपर ले गए, अपने आत्मा को परम सुख की प्राप्ति करवा दी, वैसा दिन यानी कि दीपावली पर्व। और ऐसा दीपावली पर्व जब आ रहा है अब तब हमें परमात्मा महावीर की बातों को समझना चाहिए। और इस बार तो अति आनंद की बात यह है कि परमात्मा महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक, 2550 साल परमात्मा महावीर को जाकर हो गए। लेकिन फिर भी आज भी परमात्मा की बातों को सुनते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने आज के लिए ही कहा हो, आज के समय के लिए ही कहा हो, आज के परिप्रेक्ष्य में ही कहा हो, आज के लोगों के लिए ही कहा हो। 2550 साल परमात्मा के निर्वाण कल्याणक को हो गए, लेकिन फिर भी परमात्मा की एक एक बातें आज भी सटीक लगती है। और आप संसार में देखिएगा, यह संसार में अनेक बुद्ध पुरुष हुए, यह संसार में अनेक सिद्ध पुरुष हुए, यह संसार में अनेक जानने वाले हुए, यह संसार में अनेक कहने वाले हुए, लेकिन यह सभी में कोई अलग निकलता हो तो वह हमारे परमात्मा महावीर है। क्योंकि संसार में जिसने भी कहा एक ही बात कही, एकांतवाद की बात कही। परमात्मा महावीर की जो फिलोसॉफी वो संसार में किसी के पास नहीं है, समझना। क्योंकि संसार में जितने भी धर्मों ने कहा सभी ने एकांतवाद की बात कही, किसी ने कहा आत्मा है, किसी ने कहा आत्मा नहीं है, किसी ने कहा स्वर्ग है, किसी ने कहा स्वर्ग नहीं है, किसी ने कहा नरक है, किसी ने कहा नरक नहीं है, किसी ने कहा पूर्व भव है, किसी ने कहा पूर्व भव नहीं है, लेकिन परमात्मा महावीर ने अनेकांत की बात करी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार में एकमात्र अनेकांत की बात करने वाले यदि कोई परमात्मा है तो वो परमात्मा महावीर हमें अनेकांत सिखाया। और अनेकांत का मतलब ये होता है कि संसार में कोई भी गलत नहीं है, सब कोई सही है। अनेकांत का मतलब क्या होता है? न एकांत इति अनेकांत। आप मुझे सही मानोगे तो आपको लगेगा कि आप गलत हो, मैं आपको सही मानूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं गलत हूं। लेकिन परमात्मा ने ये सभी मान्यताओं को खंडित कर दिया और परमात्मा ने कहा कि समझना, जीवन में कोई भी तो गलत नहीं है, बस हम उस तक पहुंच नहीं पाते, उसकी बातों को समझ नहीं पाते, वहां तक हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, इसलिए सामने वाला शायद गलत लगता हो, लेकिन संसार में कोई गलत नहीं है, ये मार्ग दिखाने वाले यदि कोई थे तो परमात्मा महावीर थे। कहा कि नजरिया अलग हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। परमात्मा महावीर ने कहा कि चोर भी यदि एक अर्थ से देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। तुम्हारे लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि से तुम देखोगे तो लगेगा कि नहीं सही है। कोई दुर्जन भी है, उसके भी जीवन में आप देखोगे तो लगेगा कि नहीं वो भी सही है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने अनेकांत का पथ बताया, परमात्मा महावीर ने अनेकांत का मार्ग बताया कि जीवन में यदि आप सही दृष्टि से देखो, आप अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ तो राह में चलने वाला चोर भी आपके लिए कहीं ना कहीं उसके भीतर भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। कहा कि उसका आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। चोर सही क्यों है? क्योंकि उसके आत्मा के भीतर भी ऐसी शक्ति हो सकती है कि वो आज नहीं कल परमात्मा। दुर्जन की भी निंदा क्यों नहीं करनी? दुर्जन भी अच्छा क्यों है? कि उसके आत्मा में भी कहीं ना कहीं वो शक्ति रही हुई है कि आज नहीं कल वो आगे बढ़ सके, कोई अच्छा आत्मा बन सके, कोई परमात्मा बन सके। इसीलिए शास्त्रकार भगवतों ने कहा कि जीवन में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है, सब समान है। क्योंकि हम सही कहेंगे तो गलत का स्वीकार करना पड़ेगा। आप मुझे सही कहोगे तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप गलत।
जब भी हम ये कहते हैं कि ये सही है तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि बाकी सब गलत है, लेकिन शास्त्रकार भगवान परमात्मा महावीर ये कहते हैं, चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर ये कहते हैं, अनेकांतवाद से जीवन जियो, आपको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, आपको कोई भी बुरा नहीं लगेगा, आपको संसार में सभी लोगों के ऊपर प्रेम का भाव आएगा। और इसीलिए स्नातक पूजा में पंक्ति लिखी गई वीर विजय जी महाराज के द्वारा कि जो होवे मुझे शक्ति ऐसी सभी जीव करूं शासन रस, वहां कोई डिफरेंशिएट नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है, जो अच्छे हो उनको मोक्ष मिल जाए और जो बुरे हो उनको नरक मिल जाए ऐसी बात नहीं की गई, जो दुर्जन हो उनकी दुर्गति हो जाए, जो सज्जन हो उसकी सदगति हो जाए ऐसी बात नहीं लिखी गई। कहा कि जो होवे मुझे शक्ति ऐसी सभी जीव करूं शासन रसी, ये संसार में जितने भी जीव है सभी को मैं शासन के रसिक बना दूं, सभी को कल्याण के मार्ग के ऊपर ले आओ, सभी का भला हो जाए, ये भावना यदि संसार में किसी ने भाई हो, ये भावना के बीज संसार को यदि किसी ने दिए हो तो परमात्मा महावीर ने दिए। आज भारत देश ये कहता है, अभी दिल्ली में G20 समिट हुई थी और वह G20 समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जहां आकर सबका स्वागत किया वो चित्र यदि आपने देखा हो तो आपके ध्यान में आएगा, पीछे एक बड़ा अच्छा स्लोगन, बड़ा अच्छा संस्कृत सूत्र लिखा हुआ था, जहां पर सभी विश्व के प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेताओं का स्वागत किया गया उसके पीछे एक सूत्र लिखा हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम। और वह सूत्र संसार को देने वाले यदि कोई है, समझना, शायद हम तो यहां तक रुक जाते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन वह सूत्र भी संसार को देने वाले यदि कोई है तो परमात्मा महावीर है, क्योंकि परमात्मा महावीर ने यह भावना संसार को जगाई। परमात्मा महावीर ने आज से 2550 साल पहले संसार को ये सूत्र दिखाया कि संसार में जितने भी प्राणी, मात्र वसुधैव कुटुंबकम में तो मात्र मनुष्यों की बात है, लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म जाते हैं, उससे भी गहरे जाते हैं, और परमात्मा यह कहते हैं कि जो जीव हमें दिखाई नहीं भी पड़ते वो जीव भी हमारे लिए पूजनीय है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, वो भी हमारा फैमिली है, और उसकी भी हिंसा हमें नहीं करनी। और इसलिए परमात्मा महावीर ने ये सूत्र दिया जीवन में कि सब कोई हमारे जैसा है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हम जीवन भर यही भेद रेखा बनाते रहते हैं, ये मेरा ये तुम्हारा, ये अपना ये पराया, ये मेरा है ये तेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार रहेगा, इसके ऊपर तेरा अधिकार रहेगा, ये सारी चीजें मेरी है ये तेरी है, जीवन भर यही भेद रेखा बनाने में हम उलझ जाते हैं और परमात्मा की बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझना, जब परमात्मा महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक है तब हमें हमारे जीवन में ये सूत्र समझ लेना चाहिए, परमात्मा महावीर की बातों को समझ लेना चाहिए। और जो परमात्मा महावीर ने अनेकांत का सूत्र दिया, अनेकांत का सिद्धांत दिया, यदि अनेकांत आपके जीवन में नहीं है तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हर तरह से आप प्रताड़ित हो जाओगे, हर तरह से आप दुखी हो जाओगे। और यदि अनेकांत आपके जीवन में है तो आपके जीवन में आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, हर कोई सही है, बस एंगल चेंज करना है। इसीलिए परमात्मा महावीर एक अनूठे इंसान हुए, परमात्मा महावीर की विचारधारा एक अनूठी विचारधारा थी, परमात्मा महावीर की वाणी एक अनूठी वाणी थी, और जो 2550 साल से हजारों नहीं लाखों नहीं अनेकों जीवों को कल्याण का मार्ग दिखा रही है और आने वाले हजारों साल तक वो अनेकों जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाएगी, ऐसे परमात्मा महावीर को हम हाथ जोड़ करके भावपूर्वक वंदना करते हैं। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।